जैसा देश वैसा भेष, क्या उन्होंने खेल नहीं खेला? कार्तिक के सामने लता कार्तिक को पागल साबित करके एक माँ को अपने बेटे की ही मार्फत बिजली के झटके दिलवाए, क्या ये गलत नहीं किया उन्होंने? सुरवी, लता काकी को बिजली के झटके देने वाला हादसा हुआ ना, उसके बाद हमने ये सब करने का सोचा। तुम तो जानती हो ना सुरवी, ताई की जोर टोर करने की काबिलियत। जब तक कार्तिक की आंखें हम खोल ना दे, तब तक हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। ताई से हम उसी भाषा में बात करेंगे जो भाषा ताई को समझती है। लेकिन ताई अगर कार्तिक को भड़का सकती है तो अनिकेत तो उनका खुद का बेटा है, उनका खुद का खून है। और मुझे यकीन है अनिकेत ने जो भी कुछ किया है ताई के कहने पर ही किया होगा। नहीं आई, अनिकेत ने कुछ नहीं किया है, बल्कि अनिकेत को तो किसने किडनैप करवाया है। सुरवी, ये चाल है ताई की, तू यकीन कर मेरा, ताई तुझे और कार्तिक को कभी एक नहीं होने देगी। कार्तिक इस दुनिया में सिर्फ ताई पर भरोसा करता है, तुझे कार्तिक के दिमाग को नहीं, उसके दिल को जीतना होगा, उसके प्यार को पाना होगा। सुरवी, नहीं, किसी भी हालत में मैं सुरवी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए अनिकेत को किशोर की मदद से शादी से गायब करवाना पड़ा। और तुझे क्या लगता है, सुरवी को जब सच पता चलता तो वो क्या चुप बैठती? जाके सब सच कार्तिक को बताती। बेचारा मेरा अनिकेत, मुझे उसका प्यार तो अधूरा ही रह गया ना रे। अब तूने तो सुरवी के साथ शादी इसलिए की ना क्योंकि तेरे को लगा कि अनिकेत सुरवी और श्रीकांत के साथ बदला लेने के वास्ते ये सारा ढोंग कर रहे प्यार का और शादी का। पर मेरे बेटे का प्यार एकदम सच्चा था, झूठ नहीं बोल रहा था वो। क्या फर्क पड़ता है रे, अब अगर वो वापस भी आ जाएगा तो सिवाय दुख तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। इधर उसकी तो दुनिया डूब गई रे कार्तिया। छोड़, तेरे बारे में बात करते जा, तेरी तो नई जिंदगी की शुरुआत है, तू जा रहे ऊपर। चाहला इसमें सुरभि का तो कोई दोष ही नहीं है। बोल तुझे क्या चाहिए, सुरभि से बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है मेरे लिए? ताई, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई, तूने अपना कमरा सुरभि को क्यों दिया? वे दिया नहीं है, मैंने कुर्बान किया है। चांद के तले इसको ऐसा दबाएगी मैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे भाव ने मेरे को बोला था। ऐसे कि कार्तिया खुद ब खुद सुरवी को उस कमरे से निकालकर मेरे को मेरा कमरा वापस करेगा। कार्तिक, मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। कार्तिक, जिन हालातों में आपने मुझे अपनाया है उन हालातों में इस वक्त हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना मुश्किल है, इसलिए आपसे कह रही हूँ आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगी। ओके। आप रोज ऐसे जूते और जैकेट पहन कर सोते हैं? वो मैंने कपड़े निकाले आपके लिए। कपड़े बदल लीजिए। कार्तिक कराटे मार रहे हो ना हो, ये सब परेशानियों की वजह से ही है।
कुछ ऐसी जिसमें शब्द गुम है अर्थ मतलब चुपके से खो रहा है।